सुबंत सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच में सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विश्वविद्यालय के सबसे बड़े और मुख्य अल्मोड़ा परिसर में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी एनएसयूआई समेत 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं उसके बाद मतपत्रों की काउंटिंग शुरू होगी और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव है, उसमें भी जो भी समस्याएं आ रही है उसके लिए हमने थाना अध्यक्ष से सुना है कि क्या क्या जहां जहां पर भी विवाद होने की संभावना है, जो वोटिंग की यहां पे जो वोटिंग होने के जहां पे वोटिंग होना है वहां पे अगर कुछ ऐसा दोनों पार्टियों के बीच में संघर्ष की संभावना है तो वहाँ पर हमने सुना क्या क्या समस्या है, अगर अधिक डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर करेंगे। और हमारा प्रयास है कि शांतिपूर्ण ढंग से और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, और जो छात्र संघ चुनाव है वो जो माननीय उच्च न्यायालय और उनकी जो कमेटी है उसके निर्देशों के अनुसार हो, और इसके लिए हम लोग सजग भी हैं और हमारी तैयारी भी पूरी है और ये हो भी रहा है। और जब रिजल्ट आएगा तब भी आप देखेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में जो भी छात्र संघ चुनाव हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द लिंगदो कमेटी हैं। और